की जगह आपको नहीं मिलती। मैं आज आप लोगों से मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर किसी भाई के दिल में फितूर हो, कोई दिमाग में कोई चक्कर हो, प्रधानमंत्री बराबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, वो किसी से रुक नहीं सकते। और ऐसे ही राविंदर जीत जिए जिसने राजा खानदान में जन्म लिया है, ना वो किसी से हार सकते हैं। ये चैलेंज है इस बात का। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी जो है राजस्थान में सरकार जो है अभी चुनाव होने वाले है, वहाँ की जो आपको पता है कामा क्षेत्र की जो विधायक मंत्री है उसकी जमीन खिसक रही है, उसके आप सर्वे करा के देख लो, वो बिल्कुल चुनाव हार जाएगी। जो अभी जो इन्होंने जो सबसे पहले हमारे जो दो दो जो मुस्लिम भाई जो जिनकी हत्या हुई है, उनकी मैं जिन्होंने उनकी हत्या की है, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं मरहूमों को यह चाहता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत दे और अच्छी जगह पहुंचाए। लेकिन उसके ऊपर यहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं, लोगों की अपनी जमीनें खिसक रही हैं। अगर इनकी सही जांच होगी, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक आईने से एक नजर से ना देखो, दोनों नजरों को फिट रखो, दोनों नजरों से सबको देख कर चलो। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। और वो यहाँ प्रोपेगेंडा एक रचाया गया है खास तौर से राजस्थान के लोगों ने कि अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम वाद पनप जाएगा तो शायद हमारी सीट निकल जाएगी। लेकिन लोग बहुत चतुर और चालाक हैं। आज के जमाने में तुम जितने सोचते हो तुमसे चार कदम आगे चल के लोग सोचते हैं। लेकिन हम अपने भाईचारे को राज साहब यहाँ कभी नहीं बिगड़ने देंगे। और हम यही कहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो रियल में दोषी है वही उसमें मुलजिम होना चाहिए। किसी को पक्षपात से देख कर या किसी को जांच के बेमतलब टारगेट नहीं करना चाहिए। जब मैं और मैं अपने हम मैं मुसलमान भाई पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारी सभाओं में नहीं आते थे और कहते थे कि ये भारत माँ की जय बुलवाते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, जिस धरती माँ का ऊपर उगा हुआ खाकर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ के उस पर हम अपनी इबादत करते हैं और मरने के बाद हम हमेशा उसकी कोच में सो जाते हैं, क्या ऐसी धरती माँ की जय बोलने में क्या संकोच है? और भारत माता की, भारत माता की। मैं ये कहना चाहता हूँ राव साहब, आप मेरी बात को नोट कर लेना पक्का। आपका यहाँ जो जाहिर कार्य करता है बहुत ठोस मजबूत है, बहुत दिल से कार्य करता है। हम भी आपके हैं, ऐसा नहीं हम आपके कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन मैं सच कहना नहीं चूकूंगा, ये बेचारा आपके लिए बहुत मेहनत करता है और पूरी टीम आपके लिए मेहनत करेगी। और इंशाल्लाह आप इस बार फिर रिकॉर्ड मतों से जीतोगे और देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मैं एक बात कहूंगा कि मुसलमान सभी जानते हैं तुर्की देश को, टर्की में अभी अल्लाह की तरफ से अजाब आया था, जो हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हिंदुस्तान की सरकार सबसे पहले तुर्की में मदद के लिए पहुंचे। और पहला प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है जिसने मुस्लिम कंट्री में जाके मुसलमानों की मदद की, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये लोग आप लोगों को बरगलाते हैं, कांग्रेस की पार्टी और अन्य दल जैसे सत्ता के बिना जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है ने, इन लोगों ने 60-70 साल हुकूमत की, अब ये सारे हुकूमत के लिए परेशान है। ये हराम का मुकदमा दर्ज करवा रहे, कोई कहे तो झूठा सच्चा इल्जाम लगा रहे कि किसी तरीके से हमको सता आ जाए। लेकिन बेटा जीते जी मर जाओगे, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है ना दुनिया में कोई हिंदुस्तान में हुकूमत छीनने वाला नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी।